देखिए मोड भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो काम है हमारा रिले इंस्टॉल करने का, ये प्रॉपर सक्सेस हुआ है। हेलो एंड वेलकम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए देर न करते हुए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, आज हमारे पास आया है RTR BS6, और इसमें हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं जो यूनिवर्सल फ्लैशर होता है उसको आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अब हमारे हाथ में देख सकते हैं, ठीक है। और इसका भाई जो मेन बात है, इसका जो वायरिंग डायग्राम कंपनी रिकमेंडेड दिया जाता है इस फ्लैशर का, तो उसका यूज़ कभी मत करना, क्योंकि उसमें बाइक में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बहुत ही भाई ज़्यादा है, ठीक है। वो भी हम बताते चलेंगे आप लोगों को, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कहाँ से होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम उस तो जो वायरिंग डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को हम यूज़ में नहीं लेंगे। इसके बदले हम यूज़ करेंगे भाई एक 5 पिन वाला DC 12 वोल्ट रिले, ठीक है। ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में आपको मिल जाएगा। इसका कलर भाई नीला, पीला भाई, ऑरेंज, सब कुछ होता है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच का कनेक्शन देख लेते हैं भाई। स्विच का कनेक्शन क्या है, 3 वायर है इसमें। नीचे एक पुश स्विच है, उसका एक कनेक्शन आउटपुट है, और एक जो मेन स्विच है हमारा ऑन ऑफ उसका एक वायर है, और एक वायर है हमारा इनपुट का। तो इसमें भाई 12 वोल्ट का इनपुट जाएगा, ग्रीन वायर है पुश स्विच का, और जो हमारा रेड वायर है वो मेन जो ऑन ऑफ स्विच है उससे उसका जो आउटपुट है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्लैशर के जो वायरिंग है उसमें उसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम। 2 येलो वायर है इसमें। येलो वायर होता है हमारा जो इंडिकेटर है, लेफ्ट राइट पॉजिटिव में जाएगा दोनों येलो वायर, और एक है ब्लैक बैटरी नेगेटिव, एक है रेड बैटरी पॉजिटिव, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे क्या होगा भाई, आपको हमारे बातों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही में आपको समझ में नहीं आए ये जो कनेक्शन हम कर रहे हैं इसको अगर आप समझ नहीं पाए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भाई बस एक कमेंट कर देना है कि भाई वायरिंग डायग्राम चाहिए, ऐसे करके एक कमेंट करना है। मैं आप लोगों को इसका जो वायरिंग हम कर रहे हैं इसमें, जो कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसका वायरिंग डायग्राम अलग से बनाकर कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए कनेक्शन क्या है, जो रिले का कनेक्शन होगा इसमें, जो रिले का वायर हमने लगाया है तो इसका जो कलर कोडिंग है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर कनेक्शन अगर आप करेंगे सही होगा, ऐसा कोई भाई बात नहीं है, मगर हम बता रहे हैं कि जो कनेक्शन हम कर रहे हैं इसमें जो वायर का कलर कोड है उस पर निर्भर करके, ठीक है भाई। तो देखिए रिले में हमारा 4 पिन यूज़ होगा, ठीक है। तो 4 पिन में कौन कौन से कलर है, ब्लैक, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। ग्रीन में भाई हमारा आउटपुट निकलेगा 12 वोल्ट का, येलो में इनपुट आएगा 12 वोल्ट का, रेड में भी इनपुट आएगा 12 वोल्ट, और जो ब्लैक है वो जाएगा हमारा बॉडी ग्राउंड, ठीक है। तो क्या है भाई, रेड कलर का वायर जो है वो स्विच के ग्रीन कलर से अटैच होगा रिले का, ठीक है। रिले का जो रेड वायर वो स्विच के ग्रीन वायर से अटैच होगा, रिले का जो येलो वायर वो अटैच होगा हमारा रिले के रेड सॉरी स्विच के रेड वायर से, और जो हमारा रिले का ग्रीन वायर है वो जाएगा हमारा फ्लैशर के इनपुट फ्लैशर के रेड वायर में, और जो ब्लैक कलर के वायर है वो जाके अटैच होगा हमारे बॉडी ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके रिले का जो 4 पिन है, 4 कलर कोड, 4 वायर वो हम कवर कर चुके हैं। दोबारा बता रहा हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ब्लैक आएगा बॉडी ग्राउंड, येलो जाएगा हमारा ऑन ऑफ स्विच के जो रेड वायर है, और
ग्रीन आएगा हमारा फ्लशर के रेड वायर पे, और जो हमारा रेड वायर है फ्लशर के सॉरी रिले के, वो आएगा हमारा ग्रीन वायर स्विच के। ठीक है, तो अभी देखिए एक कनेक्शन हमारा बाकी है, तो इसको कर लेते हैं। जो इनपुट हमारा स्विच में जाएगा ब्लैक कलर का वायर में, ठीक है, तो इसको भाई इग्निशन स्विच से हम कनेक्शन करेंगे। और कहाँ कौन से पिन पे कनेक्शन करना है भाई, आपको मल्टीमीटर से चेक करना होगा कि कौन से पिन पे आपको इग्निशन ऑन करने पे 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कौन सा पिन में आपका 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है इग्निशन ऑन करने पे। अगर ऑफ करने पे भी जिस पे हमारा इनपुट आएगा 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, अगर उससे अटैच कर दिया आप, तो भाई चाबी ऑन रहे या ऑफ रहे, स्विच ऑन करते ही आपका फ्लशर इंडिकेटर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं जो कनेक्शन हमने किए हैं। तो देखिए इंडिकेटर हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, अभी स्विच को दबा के चेक करेंगे इसका जो मोड है, देखिए मोड भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो काम है हमारा रिले इंस्टॉल करने का, ये प्रॉपर सक्सेस हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ भाई इस वीडियो में ऐसा कुछ सीखने आपको मिला है भाई जो नया है। ठीक है, कंपनी रिकमेंडेड जो वायरिंग दिया गया था उसको हमने पूरा तरीके से हटा दिया है, तो इसमें नया हमारे दिमाग से निकल के भाई इसमें डाला है। ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें शॉर्ट सर्किट होने का कोई भाई चांसेस ही नहीं है। और अगर आप इसको मैनुअली नॉर्मल यूज़ करना चाहेंगे तो बस स्विच को आपको ऑफ करना है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ सीखने लायक इस वीडियो में कुछ मिला हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सब स्वस्थ रहना, खुश रहना, और जाते जाते भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।